हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टोरी प्लेटफॉर्म स्टोरी स्टार्ट में। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि ओडिशा एसएससी तरफ से जो एक रिक्रूटमेंट आया है कि सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्सरसाइज के तरफ से, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आपका कब से शुरू हो रहा है, आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आपका फॉर्म डालना शुरू हो जाता जाता है अप्लाई करने के लिए। देखिए 16 अगस्त से शुरू होकर आपका 15 सेप्टेम्बर तक चलेगी, ठीक है। 16 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगी, ये डेट्स आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और ये कहाँ किसकी तरफ से आया है, ओडिशा एसएससी तरफ से आया है। इसका मतलब आपको तो जाना ही पड़ेगा www.oossc.gov.in की साइट में जा सकते हैं। oossc.in की साइट में जाकर आप इसके बारे में जान सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं कहूं तो आप एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब आप बीए है, बीएससी हो सकते हैं या बीटेक, कुछ भी कोई भी सेक्टर में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज लिमिट कितना रहेगी, आपका 21 से शुरू होकर 32 के बीच में होना चाहिए, सही है। इसी के बीच में अगर आपका एज लिमिट होगा तो आप अप्लाई कर सकते कर पाएंगे। और जैसे कि जनरल रहता है कि आप सिटीजनशिप ऑफ इंडियन होना चाहिए, आपको ओडिया लैंग्वेज आना चाहिए क्योंकि ओडिशा का पोस्ट है तो ओडिया लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ये तो आपका जनरल हो गया क्वालिफिकेशन, ये सब होना चाहिए आपको, तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गया आपका ग्रेजुएट और 21 से 32। अब देख लेते हैं पोस्ट कितना। अगर पोस्ट के बारे में बताऊँ तो टोटल पोस्ट आपका 34 है। इस 34 के अंदर आपको वोमेन के लिए मिल जाएगा रिजर्वेशन 12 पोस्ट। ओडिशा की ये अच्छी बात है कि वोमेन के लिए कुछ रिजर्व आ जाता है, 12 पोस्ट आपका रिजर्वेशन आ जाएगा। और जनरल के लिए कितना आ जाएगा आपका, जनरल के लिए अगर मैं जनरल की बात बताता हूँ तो आपका 12 पोस्ट है और वहाँ से 4 पोस्ट आपका वोमेन के लिए रिजर्व हो जाएगा। और SC BC के कोई भी पोस्ट नहीं है। ST के लिए आपका 12 पोस्ट है और वोमेन के लिए वहाँ से 5 पोस्ट ऑलरेडी रिजर्व है। और SC का 10 पोस्ट है, वहाँ से भी वोमेन के 3 पोस्ट रिजर्व है। ये तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया। और रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो वो सिलेबस जान लेते हैं और इसका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो भी कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट, वेट कीजिए, देख लेते हैं। देखिए आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन एक होगा, 1 पेपर का होगा, ठीक है। तो ये जो पेपर रहेगी आपका, देखिए आपका जनरल इंग्लिश रहेगी 25 मार्क्स, ओडिया लैंग्वेज 25 मार्क्स, जनरल स्टडीज 50। जनरल स्टडीज का मतलब आपका हो गया आपका जीके जो हो गया वो पर 50 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स। और ये 100 मार्क्स को आपको मिलेगा 90 मिनट्स मिलेगा। और आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना 0.25। इसका मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये तो। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, मतलब कैसे हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इससे कोई कंफर्म नहीं है। ऑनलाइन होने का भी चांस है, ऑफलाइन भी हो सकता है, इसे लिखा है। और ओएमआरसी में हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। सेकंड आपका रहेगा फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट क्या रहेगी वो तो बताऊंगा। लास्ट में अगर होगा आपका 5 आवर्स टेस्ट, मतलब इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आपका 10 मार्क्स रहेगा, ये आपका 100 मार्क्स और ये 10 मार्क्स, ठीक है। इतना ही आपका रिटन है। और आपका जो रहेगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा कि जनरल अगर आप हैं और जनरल SC BC मेन के लिए आपका हाइट के बारे में अगर बताऊं तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए आपको। 168 सेंटीमीटर है तो आप तो रिटन में क्वालिफाई होने के बाद ही है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको जो फिजिकल टेस्ट होगा 168 मीटर आपका होना चाहिए, तो आप हाइट होगा तो आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और आपका वेट 5 kg होना चाहिए, ठीक है, मेल के लिए। और चेस्ट आप जब एक्सपेंडेड नहीं करेंगे तो 79 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड करने के बाद आपको 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जनरल SC BC वोमेन के लिए आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए वोमेन के लिए, ठीक है, जनरल SC BC। और आपका अगर वेट के बारे में बताऊँ तो 47.5 kg लिख रहा है, इसका मतलब 48 मान लीजिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो और वोमेन के लिए चेस्ट का टेस्ट नहीं है। और SC ST मेन के लिए आपका 163 सेंटीमीटर होना चाहिए मेन के लिए SC ST हाइट, ठीक है। और वेट अगर मैं बताऊँ तो 50 kg होना चाहिए आपको, 50 kg होना चाहिए, ठीक है, SC ST मेन के लिए। और चेस्ट को 76 विदाउट एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड करने के बाद 81, ठीक है। और SC ST वोमेन के लिए हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर और आपका वेट 45 kg, ठीक है।
और चेस्ट का तो कुछ नहीं है। इसके बाद तो रनिंग वगैरह जो होगा वो तो आपको मालूम है वो होगा, अगर उसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, वो बता दूंगा। और कुछ नहीं है, इतना ही। और इसका PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ और एक बात, आपका अगर फॉर्म डालने के लिए कितना लगेगा पैसा जानना चाहते हैं तो 200, ठीक है, एग्जाम फी है 200, ये जनरल के लिए, STSC के लिए फ्री है, सही है। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टोरी स्टार्ट विथ कृष्णांशु, स्पेलिंग को अच्छे से देख लीजिए, KRUSNANSH, कृष्णा, स्टोरी स्टार्ट विथ कृष्णांशु, इस टेलीग्राम चैनल में जाइए और इसका PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी वेबसाइट में जा सकते हैं www.ossc.nic.in की साइट में भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।